देश के मीडिया जगत का एक ऐसा चैनल जो बेधड़क है, जो बेबाक है, जिसका अंदाज ऐसा कि कम समय में भी दर्शकों के दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी, जिसने नए भारत की तस्वीर को बेहद खास तरीके से पेश किया और जन सरोकार के मुद्दों को उठाने वाला एकमात्र केंद्र बना। सही मायनों में कहें तो न्यूज इंडिया 24/7 अपने एक साल की यात्रा में नए भारत का सिंबल बनकर उभरा है। 16 नवंबर को मीडिया जगत में न्यूज इंडिया एक साल का सफर तय कर चुका है। एक साल पूरा होने पर न्यूज इंडिया ने दिल्ली के ओबराय होटल में राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन किया, जिसकी थीम रही एक साल बेमिसाल। इस कार्यक्रम में देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। 16 नवंबर को न्यूज इंडिया के एक साल पूरे होने पर राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ निम्स के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर, न्यूज इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर दीक्षा शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर कौशल किशोर, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, पूर्व सांसद महमूद मदनी, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना और उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर रीतु खंडूरी, राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश, किसान नेता राकेश टिकैत, उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, देश की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। कॉन्क्लेव का हिस्सा बने अतिथियों ने राजनीतिक मुद्दों, सामाजिक बदलाव, आर्थिक नीतियों जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क परिवहन की नीतियों, हाईवेज के विशाल नेटवर्क और विकास और जनता से सड़कों का जुड़ाव जैसे कई मुद्दों को न्यूज इंडिया के मंच से देश के सामने रखा। सही मायनों में देखें तो न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव महज एक कॉन्क्लेव नहीं, बल्कि मीडिया जगत में नए भारत का सिंबल बनकर उभरा और अपने दर्शकों के समक्ष बिना किसी लाग लपेट के ज्वलंत मुद्दों को पेश किया। यही वजह रही कि मंच पर मौजूद दिग्गज वक्ताओं ने न्यूज इंडिया के इस पहल की तारीफ की और न्यूज इंडिया को देश के आम लोगों के मसलों को साफ गोई से उठाने वाला चैनल बताया, साथ ही न्यूज इंडिया के बेहतर भविष्य की कामना की।